है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। चले बढ़ते अगली खबर की ओर। शहडोल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने शादी के मंडप पर बैठी दुल्हन को धोखा देकर फरार हो गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया है। ये पूरा मामला शहडोल जिले के खैरहा थाना क्षेत्र के सारंगपुर ग्राम पंचायत का है, जहां एक युवक ने युवती के साथ पहले प्यार फिर दुराचार कर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया था। इस बीच युवक ने कोर्ट में प्रकरण चलने के दौरान युवती से शादी करने को तैयार हो गया। क्या करता हूँ तुम्हारा? एक साल पहले हमारा मैरिज चल रहा था, अब शादी के लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं मेरे माता पिता, और जो कोर्ट करवाई हुआ था कोर्ट में न्यायालय में समझौता हुआ था शादी करने के लिए, और मेरे माता पिता जो रहे हैं तो जमीन जगह जो रहा सब गहन रखकर मेरे शादी करने के लिए सब व्यवस्था कर लिए, और मंडप लगा हुआ टेंट भी सब गड़ा हुआ है। और क्या क्या कार्रवाई चाहते हो आप लोग? मेरे माता पिता का जितना खर्चा हुआ है उससे मुझे चाहिए। लड़का को सजा चाहिए। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक की भाभी गांव की सरपंच है, जिसने दोनों परिवारों के बीच सहमति बनाते हुए 23 नवंबर को शादी का दिन तय किया। जमीन गिरवी रखकर पैसों, लेकिन उस रात बारात नहीं आई। युवती पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि युवक के भाई ने बाइक व 2 लाख रुपए दहेज भी मांगे थे, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं करने के कारण बारात नहीं लाई गई। देखिए, ये पूरा मामला जो है ग्राम सारंगपुर खैरा थाना का है, जिसमें जो है पीड़ित जो है सिंदुल कोल है, उनके द्वारा एक अभी आवेदन भी कार्यालय में प्रस्तुत किया है, और इसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी बिटिया की शादी की तैयारी चल रही थी और उन्होंने सब किया था, और ऐन वक्त जो है वर पक्ष के द्वारा जो बारात नहीं लाई गई, वाद विवाद हुआ उसमें कुछ लोगों के साथ में। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इसमें जो है मारपीट की और गाली गलौज के संदर्भ में जो FIR तो कर लिया है, लेकिन इनके द्वारा जो अन्य जो शिकायती जो पत्र है उसमें जो अन्य तथ्य बताए गए, उन सभी तथ्यों पर जांच करने के लिए निष्पक्षता पूर्वक विवेचना करने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है, और इस प्रकार के जो तथ्य आएंगे इनके फरियादी पक्ष के और डिटेल्स बयान दिए जाएंगे, और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर हम अग्रिम रूप से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। युवती पक्ष ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि इस मामले में राजनीतिक दबाव के कारण अपराध भी दर्ज नहीं किया गया है। फिलहाल इस घटनाक्रम से उसका परिवार अपमानित महसूस कर रहा है। वहीं पीड़िता का कहना है कि यदि आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो वह जान दे देगी। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज करने के बाद जाँच के निर्देश दिए हैं। न्यू वीडियोज की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।